हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और टोलियां निकल चुकी है। आप देख सकते हैं अभी तक कोई लक्ष्य तय नहीं है कि किस दिशा में जाना है। बस हमारा ये उद्देश्य रहता है कि वर्ष में एक यात्राएं जरूर करनी है और सभी मित्रों को आप देख सकते हैं जो व्यवस्थाएं हमारी रहने वाली है इस प्रकार से गाड़ी के अंदर सारी व्यवस्थाएं रहेगी जिसमें खाना पकाना भी शामिल है। आप देख सकते हैं विशाल वट वृक्ष के नीचे आज साथी रुकते हुए अभी गाड़ी का सेटअप हो रहा है कैसे जमाना है सामान को। मित्रों यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सभी मित्र लोग गाड़ी में बैठे हैं और एक से एक महान हस्तियां हमारे बीच। सबसे आगे परिचय में कराऊंगा महामंडलेश्वर ओम जी महाराज और उनके साथ ही शरद सिंह जी और बीच में आप देख सकते हैं डाकू मंगल सिंह भाई और मैं आपके बीच वो क्या कर रहा हूँ पीछे हमारे महावीर सिंह जी कोतवाली बाबा ये हमारे देवेंद्र मना छुपते हुए देवेंद्र सिंह जी नहीं दिख रहे हैं। देवसा देवसा सीतारा बोलो केदारनाथ महाराज जी। अभी अभी हमने डिसाइड किया कि केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे और हो सकता है बीच में और यात्रा तुंगनाथ भी जा सकते हैं कहीं भी आ जा सकती है। तो आपको बना रहना पड़ेगा हमारे बीच जानने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए मित्रों आगे से आगे खबर मिलती रहेगी। जय हर महादेव वीर बजरंगे बोले लिया अमृत वाली हर 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 मुंबई एक्सप्रेस। ये हमारा यात्रा का दूसरा दिन है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे और ये हमारे मित्र लोग हैं जिनके अभी तक ढूंढे नहीं दुबे इसके जरूर दुब गए यात्रा के दूसरे दिन मित्रों हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है इस एक्सप्रेस वे की। भैया बहुत शानदार है शानदार जबरदस्त और हम हैं अभी इसी एक्सप्रेस वे पर ऐसे बने हुए हैं सारी व्यवस्थाएं यहाँ मिल जाती है और हमारे सामान में ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई थी कुछ सामान लटक गया था तो उसको सही करते हुए हमारे शरद जी और ये हमारे दासा जो हैं वो हुक्का लेते हुए और बाल जी राम राम करते हुए और वो देख सकते हैं साथियों ने बैग का काम डिसमिस कर दिया था। हाँ तो इसीलिए आज नए साथियों को काम मिल गया है सबको रोजगार मिलेगा और आप देख सकते हैं कि एक हमारे मित्र वहाँ नहा रहे हैं। भैया वो देखिए जबरदस्त शानदार आनंद